रक्तदान महादान है या यूं कहिए कि जीवन दान है। इसी नेक उद्देश्य से सोलन में मानवता एकता दिवस के उपलक्ष्य पर संत निरंकारी संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सोलन के उपायुक्त विनोद कुमार ने किया। इस मौके पर सभी सदस्यों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया और लगभग 147 यूनिट रक्त एकत्रित किया। संत निरंकारी संस्था के शिमला क्षेत्रीय संचालक इंद्र मोहन ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बताया कि मानवता के कल्याण के लिए रक्तदान बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों व दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के लिए इस तरह के शिविर लगाने से रक्त आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान वे लोग करते हैं जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने संत निरंकारी के सदस्यों को इस नेक काम की बधाई मिली। आज संत निरंकारी मिशन द्वारा फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया और यहां बढ़ चढ़कर सात संगत सेवा दल के नौजवान बहन भाई चैरिटेबल के बहन भाइयों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान दिया। ये जो रक्तदान शिविर है हमारे पूर्व सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में हर वर्ष सारे देश भर में लगाए जाते हैं जहां निरंकारी अनुयायी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। उद्देश्य ये है कि मानवता के कल्याण के लिए ये रक्तदान दिए जाते हैं कि कोई भी इंसान खून की कमी के कारण उसकी मृत्यु ना हो, जहाँ भी जिसको आवश्यकता पड़ती है उसको रक्त पूरा मिलना चाहिए।